साबिक सदर रफीक तारड़ की सरकारी रिहायशगाह में मजीद क्याम की दरखास्त मुस्तरद, महकमा एस एन जी ए डी ने नोटिस भिजवा दिया। रफीक तारड़ को 14 रोज में सरकारी रिहायशगाह खाली करने का हुक्म। डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के वोटिंग राइट खत्म करने का मामला, पीसीबी और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन में मामला तय पा गया। 4 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गर्मी और हब्स के बाद मौसम का मिजाज खुशगवार, शहर में सुरमई बादल छलक पड़े। एबट रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन में बारिश और जालाबारी। कोट ख्वाजा सईद, चाइना स्कीम समेत मुलहिका इलाकों में भी रिमझिम। मौसम सुहाना होने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। साफ पानी को महफूज करने का मामला, कल भी अदालत लगेगी। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी को कल तलब कर लिया। एमडी वासा, एडिशनल डीजी पीएचए नाहिद गुल, सेक्रेटरी आपाशी, वाटर पॉलिसी के अफसरान और सर्विस स्टेशन एसोसिएशन के अहदेदारान भी तलब। साफ पानी को महफूज करने के लिए तमाम वसायल भरुए कार लाए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मॉल रोड पर 4 रोज में 8,284 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान। बगैर हेलमेट पुलिस अहलकारों के भी जुर्माने करने की हिदायत। 1 अक्टूबर से जेल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी। शहरियों के चालान पे चालान, पुलिस वालों को फ्री हैंड। ई चालान का खौफ, ना हेलमेट की पाबंदी। बगैर हेलमेट के पुलिस अहलकार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। पोल्ट्री की सनत को फरोग देने की काविशें। एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एक्सपो का दूसरा दिन, 200 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। कारोबारी अफराद की गहरी दिलचस्पी।